गाइज मैंने ये वीडियो 3 दिन पहले रिकॉर्ड कर ली थी, बट अभी जब प्राइजेस पता चले मुझे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, मैं ये पूरा इंट्रो को रीशूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे प्राइजेस इतने ज्यादा पसंद नहीं है और ऐसा लग रहा है भाई लोग सिर्फ इसकी हाइप बना रहे हैं। एंड इसका एक बहुत बड़ा मेन रीजन है हाइप बनाने का, मैंने वीडियो के एंड में बात की, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। हेलो गाइज, मैं हूँ कैफ नॉइस टेक से एंड आज मैं आपको पूरी की पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ इस अमेजोन के प्राइम डे सेल की एंड फ्लिपकार्ट की सेविंग्स डेज की, एंड क्या सही में इसमें से कुछ खरीदना चाहिए या नहीं। सबसे पहले अमेजोन की प्राइम डे सेल से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अमेजोन पे सेल कम और लॉन्चेस ज्यादा हो रहे हैं, मतलब मेनली मैंने डिस्काउंट यहाँ पे सिर्फ आईफोन 14 सीरीज पे देखे। तो भाई अमेजोन के प्राइसेस आए आईफोन 14 14 प्लस के, एंड क्या बेकार प्राइसेस आए। मैंने एक्सपेक्ट किए थे 63,000 के आसपास आ जाएगा 14, बट ये लोग ने 66,500 के आसपास लॉन्च किया, देन उसके ऊपर कार्ड डिस्काउंट दिया। बहुत बकवास प्राइसेस लगे मुझे, ऐसा लग रहा है थोड़ा सा वेट कर लो वीवीडी तक, ये फोन 50,000 के आसपास आ जाएगा एंड तब ज्यादा अच्छी डील बन जाएगा। ये वैसे ही सेम 14 प्लस की भी डील्स कुछ खास नहीं लगी मुझे, मुझे ऐसा लगता है आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। एंड उसको छोड़ के एंड्रॉइड की बात करो तो सिर्फ मुझे एक OnePlus Nord CE3 दिखा जो एक प्रॉपर सेल में आ रहा है, जो डिस्काउंट के साथ आ रहा है, मे बी 16-17 हजार रुपए के आसपास। पर लॉन्चेस जो होने वाले हैं वो कुछ अच्छे तगड़े वाले हैं, जिससे पहला है OnePlus का Nord 3। यहाँ पे ये फोन आफ्टर डिस्काउंट अराउंड 33,000 के आसपास आ जाएगा। उसी के साथ साथ iQOO का Neo 7 Pro आ रहा है, उसमें भी एक पावरफुल चिपसेट है एंड वो भी सेम 32-33 के आसपास आने वाला है। फिर अगर आपका अंडर 25 का बजट है, देन आप Realme का Narzo 60 Pro देख सकते हो, वो 24,000 का रहेगा, कुछ कार्ड डिस्काउंट्स रहेंगे 1500 के आसपास के। एंड Realme का Narzo 60 ले सकते हो जो अंडर 20,000 आने वाला है, बेसिकली 18,000 में, उसपे भी आपको 1,000 का कार्ड डिस्काउंट, 17,000 तक वो फोन आ जाएगा। अंडर 20,000 का बजट है Samsung का फोन लेना है, देन आप Samsung का M34 जो अभी लॉन्च हुआ है 5G वो देख सकते हो, 19,000 का फोन है, उसपे भी 2,000 कार्ड डिस्काउंट, 17,000 रुपए के आसपास आएगा। बस खत्म, ये हो गई Amazon की डील्स। अब बात कर लेते हैं Flipkart की डील्स, वहां पे कुछ अच्छी डील्स देखी है मैंने। iPhone से ही स्टार्ट कर लेते हैं। iPhone 13 ऐसे सुनने में आ रहा है कि अंडर 50,000 में आएगा, ये काफी अच्छी डील हो सकती है एंड पिछले साल का बीबीडी सेल रिपीट हो सकता है यहाँ पे। एंड iPhone 14 14 प्लस इन पे भी बताया जा रहा है कि लोएस्ट एवर प्राइस, मतलब 63,000 के आसपास या उसके अंडर अंडर आपको 14 मिलेगा एंड 70,000 के अंडर में 14 प्लस मिल जाएगा, जो अगेन एक काफी ज्यादा तगड़ी डील रहेगी। एंड अब बात किया जाए कुछ ऑलरेडी लॉन्च्ड फोन की डील्स जो मुझे काफी सही लगी। पहले पिक्सल 6 से, पिछले साल ये आया था 26-27 हजार में, इस साल फिर से आएगा ये उस प्राइस के आसपास। सैमसंग गैलेक्सी S21 FE, ये पिछले साल 30,000 के आसपास आया था, इस बार अंडर 30,000 रुपीज आने वाला है। उसके बाद पिक्सल 7 है, ये भी कार्ड डिस्काउंट के साथ अंडर 36,000 आने वाला है, जो मेरे हिसाब से काफी सही डील रहने वाली है। वीवो के T2X पर भी डील आ रही है, वीवो V27 पर भी डील आ रही है एंड रियलमी 10 प्रो पर भी एक अच्छी डील आने वाली है। रियलमी 10 प्रो भी समवेयर अंडर 18,000 मिलेगा। और अगर आप पूछेंगे रियलमी 10 प्रो ले या OnePlus Nord CE3 Lite, दोनों ऑलमोस्ट सेम फोन है, कोई मेजर फर्क नहीं है यहाँ पे। मैंने ऑलरेडी Nord CE3 Lite का एक प्रॉपर डेडिकेटेड रिव्यू बनाया, आप देख सकते हो 3 लाख प्लस व्यूज आ गए एंड काफी लोगों को एक अच्छा डिसीजन लेने में उस वीडियो ने हेल्प किया है। तो मैंने आपको बताया था मैं लास्ट में कुछ बताने वाला हूँ। मुझे बेसिकली ऐसा लग रहा है ये एक स्टॉक क्लियरेंस सेल है, क्यों? क्योंकि अब 2 महीने बाद बीबीडी आने वाला है, लोगों को 50-50 हजार में आईफोन 14 मिल जाएंगे, तो जितना हो सके अभी 60-65 हजार में बेच दो ताकि वो लोग बाद में ना ले पाए एंड बाद में ज्यादा लोग और खरीदे। ये बेसिकली मोर ऑफ अ स्टॉक क्लियरेंस सेल है, इसलिए मैं बोलूंगा ये सेल इतना ज्यादा वर्थ नहीं है, थोड़ा सा दूर रहो इस सेल से, 2 महीने रुक सकते हो तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। हाँ, अगर फिर भी अर्जेंट है आपको फोन लेना ही है तो मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अभी बाय कर सकते हो, थोड़े से डिस्काउंटेड प्राइस पे डेफिनेटली मिल जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।